नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल SS एनालिसिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं निफ्टी इंडेक्स के जो अभी मूवमेंट्स हैं यानी एक लाइव चार्ट को एनालाइज करने जा रहा हूं। आज तारीख है 27 मार्च और समय हुआ है 9:56। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये वही चार्ट पैटर्न के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं जो इसमें मैं अपने पिछले कई एनालिसिस दे चुका हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी की ओपनिंग एक गैप अप के साथ हुई है और जहां निफ्टी ने कल इन स्तर पर क्लोज किया था वहीं निफ्टी ने आज 8,940 पर एक ओपनिंग दी और एक हाई लगाया 9,038 का और एक लो लगाया 8,911 का और अभी 8,966 पर चल रहा है निफ्टी, जहाँ की आप देख सकते हैं कि इन रूपी स्तरों से एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जहाँ की निफ्टी ने एक हाई लगाया था 9,038 का, यहाँ से हम देख रहे हैं कि निफ्टी में यहाँ काफ़ी एक स्टिफ रेजिस्टेंस देखी जा रही है 9,030 पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक छोटे से टाइम फ्रेम में एक सेलिंग प्रेशर का दबाव अभी भी देखा जा रहा है। आज मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम से शुरुआत क्यों की है, क्योंकि ये एक लाइव चार्ट का एनालिसिस है जहाँ की हम आने वाले निफ्टी के मूवमेंट्स को किस डायरेक्शन में वो अगला मूव दे सकते हैं इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मेरा मानना है कि ये जो लेवल्स हैं ये एक इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी इंडेक्स के लिए। तो निफ्टी ने यदि आने वाले 15 मिनट में इस इमीडिएट सपोर्ट को यानी 8,193 की सपोर्ट को डिफेंड किया तो ही निफ्टी में एक वापसी संभव है। अदरवाइज मेरा मानना है कि निफ्टी में गिरावट और गहरा सकती है यदि निफ्टी ने इस इमीडिएट सपोर्ट के नीचे सस्टेन कर लिया यानी 8,864 के नीचे यदि निफ्टी आ गया तो मेरा मानना है कि निफ्टी में गिरावट जारी रह सकती है। कि निफ्टी को इमीडिएट जो सपोर्ट मिलेगा वो इन स्तर पर मिलेगा यानी 8,737 पर, जहाँ की कल निफ्टी ने एक टफ रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी ने दिखाया था। अब यहाँ देख रहे हैं कि 8,737 पर यहाँ निफ्टी को एक कड़ा रेजिस्टेंस कल हमने मिलते हुए देखा पूरे दिन, जहाँ की निफ्टी में हर बार जब भी एक अपवर्ड मूव आया एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी में 8,737 पर एक टफ रेजिस्टेंस हमेशा मिला, जैसा कि क्लोजिंग के समय पर भी हुआ कि इस लेवल तक आने के बाद भी निफ्टी में यहाँ से सेलिंग देखी गई। तो अब यही जो रेजिस्टेंस लेवल था कल ये निफ्टी को एक इमीडिएट सेकंड सपोर्ट देगा, जहाँ की 8,737 से हम एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि यदि निफ्टी ने आज गिरावट में कल के क्लोजिंग लेवल को तोड़ दिया तो मेरा मानना है कि निफ्टी को यूरोपियन बाजारों के खुलने से पहले 8,561 के लेवल को डिफेंड करना होगा, जहां से एक बाउंस बैक की उम्मीद अभी भी की जा सकती है कि एक शार्प बाउंस बैक हो सकता है यूरोप के खुलने के बाद। परंतु यदि यूरोप में ओपनिंग गिरावट के साथ देखी गई, क्योंकि अभी भी अमेरिकी बाजारों में काफी एक एग्जॉशन देखा जा रहा है जहाँ की S&P 500 फ्यूचर्स 42 अंकों की गिरावट अभी दिखा रहे हैं, जिससे यूरोपियन बाजारों में और एशियन बाजारों में गिरावट का दौर जारी है। तो वो देख सकते हैं क्योंकि अमेरिकी फ्यूचर्स का एक दबाव में रहना इस बात का संकेत है कि वहाँ एग्जॉशन और गहरा सकता है, क्योंकि S&P 500 फ्यूचर्स में जो गिरावट है 40 अंकों की यानी 1.7% की गिरावट, वहीं डाउ इंडेक्स में भी ये गिरावट 357 अंकों की देखी जा रही है यानी 1.6% की गिरावट। ये जो मैं स्तर बता रहा हूँ ये अभी के स्तर हैं S&P 500 फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स के। तो वहाँ इस मंदी का जारी रहना सभी एशियन मार्केट्स में इस मंदी के प्रेशर को जारी रख सकता है, जहाँ की हमें देखना होगा कि क्या निफ्टी आज वीकली क्लोजिंग तक इन लेवल्स को डिफेंड कर पाता है या नहीं, यानी 8,453 के लेवल को निफ्टी को डिफेंड करना होगा आज की गिरावट में। क्योंकि ये दोस्तों एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ निफ्टी अब और नीचे आ चुका है और इस इमीडिएट सपोर्ट के निकट पहुंचा है। तो मेरा मानना है कि यदि हमने आज यूरोपियन बाजारों की ओपनिंग एक मंदी के साथ देखी तो वहाँ निफ्टी इन स्तरों को भी तोड़ सकता है, यानी जो एक अहम सपोर्टिंग लेवल है निफ्टी का 8,009 का, यदि निफ्टी ने आज की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे दी तो निफ्टी में एक मंदी का दौर फिर से शुरू हो सकता है, जहाँ की हम आने वाले हफ्ते की शुरुआत फिर से एक गैप डाउन के साथ होते हुए देख सकते हैं। तो आइए इस चार्ट को अब देखते हैं एक
एक घंटे के टाइम फ्रेम में तो आप देख रहे हैं कि एक घंटे के टाइम फ्रेम में निफ्टी ने जो एक गैप अप के साथ ओपनिंग दी थी, अभी इस गैप अप को तो मेंटेन किया हुआ है, परंतु अगला जो कैंडल है एक आवर्ली कैंडल, वो एक रेड कैंडल बना है जो कि पूरी तरह से एक एक्सर्शन को दिखा रहा है, जहाँ की मेरा मानना है कि अभी भी एक कोशिश जारी है निफ्टी इंडेक्स की इस इमीडिएट सपोर्ट को डिफेंड करने की, यानी जो 8913 पर है, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी इंडेक्स जो है वो 8925 पर चल रहा है, वहीं निफ्टी फ्यूचर्स 8897 के स्तर पर हैं। तो यहाँ निफ्टी फ्यूचर्स का निफ्टी इंडेक्स से तकरीबन 40 अंक नीचे रहना एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है निफ्टी के ऊपर, एक बेयरिश प्रेशर अभी भी काफी कायम है, जिसके चलते निफ्टी आने वाले समय में इस इमीडिएट सपोर्ट को तोड़ सकता है। यदि 10:20 से पहले यदि निफ्टी ने 8913 के लेवल को यदि तोड़ दिया अगले 10 मिनट में, तो मेरा मानना है कि इस गिरावट में निफ्टी को जो अगला सपोर्ट मिलेगा वो 8725 के स्तर पर मिल सकता है, जहां की कल हमने एक आवरी चार्ट में निफ्टी को यहाँ रेजिस्टेंस मिलते हुए देखा था, जहाँ निफ्टी को एक टफ रेजिस्टेंस मिल रहा था बार बार। तो ये जो रेजिस्टेंस निफ्टी को मिल रहा था ये एक सपोर्ट का भी काम कर सकता है, जहाँ कि निफ्टी में एक बाउंस बैक इन स्तरों से आज हमें देखने को मिल सकता है, परंतु निफ्टी ने यदि 8737 की सपोर्ट को भी तोड़ा तो अगला सपोर्ट इन स्तरों पर निफ्टी को मिल सकता है, यानी 8352 पर। तो अभी तो देखना होगा कि क्या निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन, जहाँ वो अभी कर रहा है, क्या उन्हें डिफेंड कर पाता है या नहीं। आइए अब इस चार्ट को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो आप देख रहे हैं कि एक डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी इंडेक्स में एक एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म हो चुका है, क्योंकि एकदम से जो ओपनिंग हुई है एक गैप अप ओपनिंग, वहां निफ्टी में इस स्तरों पर जहां आप देख रहे हैं इस अपट्रेंड की सेकंड लास्ट लाइन जो आप देख रहे हैं एक रेड कलर से जो लाइन देख रहे हैं, ये निफ्टी की एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। इस अपवर्ड ट्रेंड में एंट्री से पहले ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये एक लॉन्ग टर्म की एक अप ट्रेंड जोन है, जिसके अंदर एंट्री करने के बाद निफ्टी काफी बुलिश हो सकता है। जैसा कि यहाँ जब निफ्टी ने 13 मार्च को जब इन स्तर को छुआ था एक तेज गिरावट में, ये एक डेली चार्ट है तो इसमें एक कैंडल जो है एक पूरे दिन की मूवमेंट को दिखाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 13 मार्च को जब निफ्टी ने 8538 के लेवल का छुआ था एक तेज गिरावट में, तो यहाँ से हमने तेज रिकवरी देखी थी और निफ्टी ने वापस इसी अप ट्रेंड में प्रवेश कर लिया था। यहाँ से बाइंग इतनी अधिक थी कि निफ्टी में ये कभी एक स्टीप रिकवरी हमने देखी उसी दिन जब निफ्टी ने एक स्टीप डाउनवर्ड मूव लिया था, इन स्तरों को छुआ था 8561 के। तो ये एक अहम सपोर्ट लेवल है निफ्टी इंडेक्स के लिए, जहां से निफ्टी में हमने रिकवरी देखी थी। तो आज मेरा मानना है कि निफ्टी को में यदि गिरावट होती है तो ये लेवल भी निफ्टी के लिए, यानी 8561 का जो लेवल है, एक अच्छी डिफेंस का काम कर सकता है, जहां कि निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। तो अभी तो निफ्टी देखना है कि अगले कुछ घंटों में यानी यूरोप के खुलने तक निफ्टी की मूवमेंट्स किस प्रकार की रहती हैं, क्योंकि अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है। परंतु यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है निफ्टी की, ये रेड लाइन जो कि अभी 9073 पर है, जिसको तोड़कर निफ्टी को ऊपर सस्टेन करना होगा इस अपवर्ड ट्रेंड के अंदर एंट्री लेने के लिए। परंतु निफ्टी यहाँ बार बार सेलिंग देखी जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने फिर से एक सेलिंग का बाउट देखा, जहाँ कि निफ्टी को फिर से नीचे आना पड़ा। तो यहाँ काफी उठक पटक जारी है, जिसके चलते अभी देखना होगा कि आने वाले एक घंटे के अंदर यानी 11 बजे तक मैं कहूंगा कि निफ्टी एक अपना फैसला ले लेगा कि अगला मूव उसका किस तरफ होगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों का शेयर करें। मैं अपना अगला वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा शनिवार सुबह। दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।